So today we will discuss railway. Okay, in railway system, India has a special impact here, and it's various gauge systems. Railway has different gauge system. Okay, and its principal mode, that is, it is possible to ये क्या करता है रेलवे, ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट फ्रेट एंड पैसेंजर. क्लियर? रेलवे ट्रांसपोर्ट फ्रेट एंड पैसेंजर. फ्रेट मीन्स कमोडिटीज. क्लियर? इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस आइटम्स. समटाइम दे हैव टू ट्रांसफर कमोडिटीज लाइक क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, डीजल फ्रॉम वन रिफाइनरी टू अनदर. क्लियर? फ्रॉम कोस्टल एरिया टू रिफाइनरी एरिया. अंडरस्टैंड? सो इट बिकम्स वेरी इजी वाया रेलवे. अंडरस्टैंड? एंड इट इज सेफ, क्वाइट सेफ. देयर इज नो चांसेज ऑफ एक्सीडेंट्स, वेरी लेस चांसेज ऑफ एक्सीडेंट्स. एंड इट डज दिस वर्क इन बल्क क्वान्टिटी. ठीक है, लार्ज क्वान्टिटी में हम लोग ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं. अदरवाइज वी हैव ऑल्सो वेरियस मीन्स बाई रोड्स, बट इट विल ट्रांसपोर्ट ओनली फ्यू क्वान्टिटी एट अ टाइम, इजंट इट? एंड इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. क्लियर? बट द मेन एम ऑफ रोडवे, रेलवे और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट वी शुड रिड्यूस टाइम ऑल्सो. Because they reduce time and distance, that's why we use means of transport, isn't it? So this portion, it is important means of transport. Railway have been a great integrating force for more than 150 years. Railway survey from more than 150 years. Clear? Means it's long period it has. And the Indian Railway is largest public sector undertaking. Okay? And the first train steamed off from Mumbai to Thane. First train steamed off. पहले steam engine चलता था, इसलिए इसको steamed off कहते हैं. First train steamed off from Mumbai to Thane in 1853. It is clear? This was the year when first railway it was started between Mumbai to Thane. And after 1853, now we are in 2020. You can imagine 47 plus 20. Again, so how much it became? 67 years हो गए, है ना, इंडिया में रेलवे. अंडरस्टूड? सो यू कैन से हियर इट हैज़ अ डेवलपमेंट ओवर इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर. ठीक है, इट हेल्प टू डेवलप इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर बाई प्रोवाइडिंग बल्क ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, है ना, बल्क ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. दिस वॉज द इम्पॉर्टेंस, दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेलवे इन आवर कंट्री, नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन अदर कंट्रीज. क्लियर? बिकॉज दे डज ट्रांसफर इन बल्क क्वान्टिटी. क्लियर? इंडियन रेलवे हैव अ नेटवर्क ऑफ 7137 स्टेशन. देयर आर 7137 रेलवे स्टेशन, ठीक है, इन इंडिया. क्लियर? इट्स अ ह्यूज नेटवर्क. क्लियर? एंड अलोंग विद दिस द रूट लेंथ. क्लियर? दैट इज इट्स रूट लेंथ इज ओवर
687 किलोमीटर का अभी इस समय तक का रिकॉर्डेड लेंथ है। एंड ये किस समय का डाटा है? इट इज डाटा ऑफ 2016। क्लियर? नाउ इट इज इंक्रीज्ड, अंडरस्टैंड? इट माइट हैव इंक्रीज्ड बिकॉज डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस है कि नहीं, और बढ़ गया होगा, लेकिन 16 का डाटा यही कह रहा है, राइट? और इसके साथ जो हमारे जो पैसेंजर, ठीक है, हमारे जो फ्लीट जो है, हमारा लोकोमोटिव, लोकोमोटिव 11,000 फॉर लोकोमोटिव, लोकोमोटिव 11,200 से 22 किलोमीटर, ठीक है, अप्रॉक्स, राइट? और इसके साथ हमारा जो है इसको 122, क्लियर? तो ये सब हमारे डाटाज हैं, ठीक है, ऑफ पार्टिकुलर डाटा है, ये भी एग्जैक्ट तो होते नहीं हैं, अप्रॉक्स होते हैं सारे डाटा, है कि नहीं? एग्जैक्ट कहाँ मेज़र हो पाएगा, वो तो अंडर प्रोग्रेस चलता रहता, आज मेज़र किए कल 2 किलोमीटर लेंथ बढ़ गई, है कि नहीं? फिर अगली साल रिकॉर्ड किए, रिकॉर्ड करने के 1 हफ्ते बाद पता लगा 1 किलोमीटर और लेंथ बढ़ा दिया गया, है कि नहीं? तो डाटा हमारा वैरी करता रहता है, ठीक है? तो इस तरीके से पैसेंजर सर्विसेज व्हीकल्स देर आर 54,506 पैसेंजर ट्रेन व्हीकल्स है हमारे यहाँ, इतने हमारे यहाँ पैसेंजर ट्रेन्स हैं इंडिया में अकॉर्डिंग टू 2016 डाटा। और इसके साथ साथ हमारे जो वैगन्स हैं फॉर ट्रांसपोर्ट फ्रेट, तो ये 251,156, ठीक है, वैगन्स कितना, 56 वैगन्स, ठीक है। एंड दीज वैगन्स दे आर स्टिल अंडर प्रोग्रेस, दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, क्लियर? सो दिस इज अबाउट रेलवे। एंड यू विल हैव, यू कैन से द इंडियन रेलवे हैव हाउ मेनी जोन्स, इंडियन रेलवे, हाँ, इंडियन रेलवे हैज 16 जोन्स, ठीक है, क्लियर? पूरी कंट्री को 16 जोन में डिवाइड किया गया है इंडियन रेलवे, और हर जोन में रिक्रूटमेंट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी जोन हैं हर साल वहाँ से लोग रिटायर होते हैं, एंड देयर इज रिक्रूटमेंट, अंडरस्टैंड? तो ये हमारे रेलवे का प्रोसेस है, ठीक है। सो हियर वी विल फाइंड दैट रेलवे हेडक्वार्टर, ठीक है, आप इसको लोकेट कर सकते हो मैप पे। तो जो हमारा रेलवे का नेटवर्क है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा किसकी वजह से इन्फ्लुएंस होता है? फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। रेलवे नेटवर्क आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, ठीक है, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफी, जो फिजियोग्राफिक डिवीजन आपने पढ़ा था 9th, फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है क्या कहते हैं फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो हमारे रेलवे को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्लियर? तो ये जो हमारा जो फिजियोग्राफिक फैक्टर मीन्स, जैसे आपने इंडिया का 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ा था, ठीक है, क्या क्या था, माउंटेन, हिमालय एक तो था, ठीक है, द हिमालय, ठीक है, फिर उसके बाद द ग्रेट प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन आपने पढ़ा था, ठीक है, उसके बाद आपने प्लेटो पढ़ा था, है ना, प्लेटो रीजन, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटो, इसके अलावा आइलैंड्स आपने पढ़े थे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमारे यहाँ बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं, अंडरस्टैंड? तो ये हमारे फिजियोग्राफिक डिवीज़न, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ रेलवे का लेंथ क्या होगा, ठीक है, किस तरह का रेलवे होगा, छोटी लाइन होगी कि बड़ी लाइन होगी, अगर हिल है तो वहाँ पे हमारा जो है स्मॉल गेज वाला होता है, छोटी लाइन होती है, और जो हमारा प्लेन एरिया है वहाँ पे ब्रॉड गेज होता है, बड़ी लाइन होती है, ठीक है, तो ये इस पर इन्फ्लुएंस होता है, ये सारे फैक्टर्स हैं, और इकोनॉमिक फैक्टर पर भी डिपेंड करता है, भाई गवर्नमेंट विल यू नो ले डाउन रेलवे,
ऑफ दैट एरिया वेर देयर इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जिस एरिया में ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वहीं तो फैक्ट्री, वहीं पे तो रेलवे लाइन बिछाएंगे. पता लगा कि जो है डेजर्ट एरिया वहाँ रेलवे लाइन बिछा के क्या फ़ायदा है, कौन जाएगा राजस्थान में डेजर्ट एरिया में आने जाने के लिए, भी जाएगा ना वहाँ कोई फैक्ट्री लगाएगा उतना दूर, तो वहाँ रेलवे लाइन क्यों बिछाएं, है कि नहीं. हम तो इंडस्ट्रियल एरिया के पास जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, वेयर देयर इज यू नो यू कैन से इट इज़ डेस्टिनेशन, रिलीजियस डेस्टिनेशन है, ठीक है, जैसे कोई रिलीजियस प्लेस है वहाँ के लिए ट्रेनें खुद चलती हैं, वहाँ का नेटवर्क अच्छा है कि नहीं. जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ हम लोग जो है रेलवे नेटवर्क बनाएंगे, क्योंकि वहाँ से हमारा इकोनॉमिक एक्सचेंज होगा, इज़न्ट इट. दैट्स व्हाई यू नो दिस इकोनॉमिक फैक्टर इज ऑल्सो पॉसिबल. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, जहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग के कंट्रोल में है, ठीक है. अब पता लगा पाकिस्तान पूरा टेररिस्ट एरिया हो गया है, अब वहाँ हम रेलवे नेटवर्क बिछाते फिरे और आतंकवादी उसको बम से उड़ाते रहे, तो कोई फ़ायदा है इसको, है कि नहीं. तो जहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है उधर ज़्यादा सही रहेगा, वहाँ प्रोटेक्शन मिलेगा उसको, है कि नहीं. तो ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं जो हमारे रेलवे को वो करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है. और इस तरीके से जो है हमारे पास, जैसे व्हेन वी आर मेकिंग रेलवे लाइन तो सम टाइम इट्स टेरेन, ठीक है, इट डज नॉट सपोर्ट. मान लीजिए कि जैसे आपका एक रेलवे लाइन एक बड़ी सी हिल है, ठीक है, और एक हिल यहाँ पे है, पता लगा कि आपकी ट्रेन यहाँ तक तो आई है ना, अब आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको ब्रिज बनाना पड़ेगा इतना बड़ा, है कि नहीं. ऐसा ब्रिज होना चाहिए ऐसे कॉलम बना करके, पहाड़ों में ऐसे कॉलम बना करके आपको जो है यहाँ पे रेलवे लाइन बिछानी पड़ेगी, तब इस पहाड़ पे जाएगा ट्रेन, होगा कि नहीं, राइट. और पता लगा कि जैसे क्या कहते हैं, ये है यहाँ प्लेन है और यहाँ से पहाड़ चालू हो गया, क्लियर. तो अब क्या करोगे, अब इसमें से टनल बनाएंगे सुरंग, है कि नहीं. तब टनल बना करके हम लोग जो है क्रॉस करेंगे, इज़न्ट इट. ऐसे पहाड़ों में टनल भी बनता है, क्लियर. तो ये सारी चीज़ें हैं रेलवे नेटवर्क के लिए. वी हैव टू यू नो फेस द चैलेंजेस ऑफ रिलीफ फीचर, इट्स टेरेन, ठीक है. उसका फिजिकल और ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और अपने हिसाब से एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, इज़न्ट इट. अपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वी डू दिस एक्टिविटी, राइट नाउ, क्लियर. तो ये सब टनल्स, गैप्स, ये सब चीज़ें जो है हमारे ये बनते हैं, ठीक है. राजस्थान है, वेस्टर्न राजस्थान, फिर स्वैम्पी एरिया जो है हमारे, वहाँ कैसे हम रेलवे लाइन बिछाएंगे, दिस इज़ अ प्रॉब्लम, है कि नहीं. तो वहाँ नहीं बिछाएंगे. कोस्टल एरिया है, इट फैसिलिटेट यू नो वेरियस कम्युनिटीज, ठीक है, दैट कम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री. अभी जैसे गल्फ कंट्री से क्रूड ऑयल आता है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, है कि नहीं. जैसे ये आपका, ये हमारा पेनिनसुलर एरिया है, ठीक है, तो यहाँ से आपका एक पूरा कंटेनर आ रहा भर करके, ठीक है. तो क्योंकि ये बल्क क्वांटिटी में है, राइट, तो हमें क्या करना है, अब हम यहाँ रेलवे का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक बड़ा रेलवे जिसमें खूब सारे बोगीज लगे हैं, कंपार्टमेंट्स, ठीक, और इसमें जो है वो ये आपका क्रूड ऑयल इसमें ट्रांसफ़र करेंगे डेली, पूरा का पूरा क्रूड ऑयल, और फिर उसको रिफाइनरी तक ले जाएंगे. तो कोस्टल एरिया में इम्पॉर्टेंट है रेलवे लाइन, ठीक है. हमारे जो फूड ग्रेन्स हैं, जैसे मान लो कि हमें किसी और कंट्री से ऑर्डर मिला कि इतने मिलियन टन हमें जो है फूड ग्रेन सप्लाई करना है, राइट, तो पूरा बोरे के बोरे पैक हो गए, अब उसको ट्रक का ट्रक ले जाएंगे तो बहुत डीजल पेट्रोल खर्च होगा, है कि नहीं, और टाइम टेकिंग वर्क होगा. तो उसके लिए हमारी एक मालगाड़ी लगा देंगे उसी में, है कि नहीं, भरते जाओ जितनी बोगीज हैं, 100-150 बोगीज होती हैं, ठीक है, उसमें आपने जो है फूड ग्रेन हिसाब से लगेंगे फील्ड इट, ठीक है. एंड फाइनली विद इन वन एफर्ट इट रीच टू कोस्टल एरिया, एक ही बार में कोस्टल एरिया पहुँच गया और वहाँ से क्रेन से फटाफट आपने लोड कर दिया कार्गोस को, ठीक है, एंड इट डिपार्टेड, इज़न्ट इट. तो इट बिकेम वेरी इजी बाय रेलवे. और यही काम हम लोग ट्रक से करते हैं कि नहीं, ट्रक से करते हैं और खूब लेबर लगा के पीठ पे लाद करके फिर शिप में ले जाके रखता है ना. तो इट इज़ वेरी
long process, very laborious process, time taking process, isn't it? And wastage of money and time both, है ना? वही चीज हमने ट्रेन का यूज करके फटाफट टेक्नोलॉजी यूज की, है कि नहीं? और हमारा काम वैलिड टाइम हो गया, राइट? तो ये है रेलवे के फायदे, ठीक है? इसी तरीके से इट आल्सो कैरी पैसेंजर्स दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. टुडे रेलवे हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन आवर नेशनल इकोनॉमी, ठीक है? क्योंकि हमारी कंट्री की जो नेशनल इकोनॉमी है इट इज़ टोटली अफेक्टेड बाई रेलवे, क्लियर? एंड रेलवे हैज़ बिकम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यू नो डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्लियर? इट हैज़ प्रोवाइडेड अस यू नो ह्यूज ट्रांजेक्शंस बिकॉज बाई मीन्स ऑफ फेयर्स एंड रिजर्वेशन प्लस ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑफ फ्रेट, ठीक है? इट इंक्रीजेज इंडियाज पर डे इकोनॉमी, क्लियर? एंड वी आर एबल टू यू नो मेंटेन आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वेरी इजली, क्लियर? तो ये था आपका. एंड इसमें जो है रेलवे में अक्सर क्या होता है, कभी कभी अनसर्टेनिटी होती है, लोग स्टॉप कर देते हैं ट्रेन को, चैन फिलिंग करते हैं, कभी कभी रेलवे की पटरी तोड़ देते हैं, है कि नहीं? ट्रेनें हमारे डीरेल्स हो जाती हैं, ये सब उसके चैलेंजेस हैं, ठीक है? ये आप अपने आप से लिख सकते हो रेलवे के चैलेंजेस क्या क्या हैं. चैन पुलिंग, ठीक है? डीरेल हो जाती है ट्रेन, है कि नहीं? आपस में कभी कभी जो है टकरा भी जाती है किसी से, खड़ी ट्रक है उससे भिड़ गई, है ना? पता लगा कि वो आपका जो बना हुआ था गेट, ठीक है, इट वॉज नॉट ओपन, कोई ट्रक रात में आई, है ना? और जो है क्या कहते हैं, रात में उसको पता ही नहीं चला, उसने वहीं पार कर दिया, उसको याद ही नहीं आया कि ये रेल की पटरी है. भाई नाइट में एकदम डार्क नाइट में कोई मतलब जो है अगर उसमें जो गेट नहीं लगा हुआ क्रॉसिंग पे, रेलवे क्रॉसिंग पे, ठीक है, तो कोई भी ट्रक ड्राइवर रात को सब लोग पिए भी रहते हैं, है कि नहीं? तो कहीं भी खड़ा कर दिए ले जाते हैं, होते हैं ना ट्रक ड्राइवर्स, दे आर ड्रंकर्स, है कि नहीं? खड़ा कर दिया, उनको पता ही नहीं है रेल की पटरी है, और पता लगा रात बिरात ट्रेन आई मालदीव राजू, है कि नहीं? ट्रेन का भी लॉस हुआ, उसका भी लॉस हुआ. तो ऐसे केसेस हमारे इंडिया में ज़्यादा होते हैं, ठीक है? अक्सर पेपर में से दो चार महीने बाद सुनाई देता है कि ये ट्रेन जो है ट्रक से टकरा गई, खड़ी ट्रक से टकरा गई, बस से टकरा गई, तो उसके केसेस यही है, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं. तो रेलवे जो है हमारा आजकल शेड्यूल टाइम पे चलता है, जिससे हम लोग टाइमली कहीं भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, है कि नहीं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्रांसफरेबल, दे आर डूइंग ट्रांसफरेबल जॉब्स, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स आर ट्रांसफरेबल, है ना? सो दे हैव टू गेट यू नो दे हैव टू शिफ्ट देयर डेस्टिनेशन, देयर लोकेशन टाइम टू टाइम, एंड रेलवे हेल्प देम वेरी इजीली, है कि नहीं? पार्सल कर देते हैं अपने सामान सीधे कंपार्टमेंट में, बुक कर देते हैं, आपके साथ ही आपका सामान भी जाता है, होता है? तो रेलवे से बेनिफिट्स हैं. नाउ वी आर कमिंग टू द मेन पॉइंट, दैट इज पाइपलाइन. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पाइपलाइन इन इंडियन इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज हेल्प यू नो फास्ट ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, क्लियर? एंड इट कैन बिकम अ रॉ मटेरियल सप्लायर्स, ठीक है? दैट इज योर पाइपलाइन, ठीक है? इट इज़ अ नेटवर्क इन न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया. एक नया अराइवल है पाइपलाइन, ठीक है? पाइपलाइन, ठीक है? ये क्या है? न्यू अराइवल, न्यू अराइवल, ठीक है? It is a new arrival in the field of means of transport. अभी तक हमारे means of transport जो थे वो वही traditional थे, ठीक है? लेकिन जब से हमारा ये pipeline system आ गया, ठीक है? It is a new arrival and latest you know technology used here. तो pipelines are they connect the source of you know gases, liquids, ठीक है? And it connect to the consumers directly, ठीक है? होता क्या है कि they you know transport all these things very easily using pipeline, ठीक है?
Here plastic pipe is not used. ठीक है, GI pipe is used, galvanized pipe. Clear? So these pipelines, they are able to, they transport slurry. ठीक है, slurry of metallic ores को slurry form में ये क्या करते हैं, they transport. ठीक है, from one place to another. First part, second, transport LPG and CNG. LPG और CNG को transport करते हैं. ठीक है, जहाँ इसका सोर्स है, जैसे जहाँ से ओरिजिनेट होता है LPG आपका बॉम्बे हाई. ठीक है, और जितनी रिफाइनरी है, ठीक है, वहाँ से पाइपलाइन के थ्रू हम अलग अलग बॉटलिंग प्लांट्स, जो जैसे हमारा इंडियन के बॉटलिंग प्लांट्स हैं. ठीक है, इट हैज़ डिफरेंट बॉटलिंग प्लांट्स ऑल ओवर इंडिया. ठीक है, जैसे यहाँ हमारा नियरेस्ट कानपुर है, गोरखपुर भी है. ठीक है, ऐसे करके उन्होंने अपना डेस्टिनेशन फिक्स कर दिया है. ठीक है, सो फ्रॉम दीज प्लेसेस मीन्स ऑल दीज प्लेसेस आर कनेक्टेड विद इंडियन ऑयल की पाइपलाइन होती है. ठीक है, ये आपके फॉरेन कंट्रीज से क्रूड ऑयल मंगाती है, इंडियन ऑयल, एंड इट सप्लाई टू रिफाइनरी. ठीक है, एंड फाइनली फ्रॉम रिफाइनरी दिस गोज टू कंज्यूमर्स. क्लियर, तो जैसे आपका पेट्रोल डीजल है तो सीधे पेट्रोल पंप पे जाएगा, है कि नहीं? तो ये क्या करते हैं, रिफाइनरी से चाहे बाई ट्रक मंगाते हैं, राइट, क्योंकि पेट्रोल डीजल जो होता है, क्योंकि उसको जो है लिमिटेड क्वांटिटी में भेजा जाता है, जितनी डिमांड होती है पर डे की, उस हिसाब से ट्रक से भी आ जाता है, आजकल कंटेनर्स होते हैं. ठीक है, लेकिन जो गैसेस होती हैं उसको हम जो है डेली नहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, क्योंकि उसमें लीकेज के चांसेस हैं, एक्सीडेंट के चांसेस हैं, इसलिए उसका ट्रांसपोर्ट वी डू विद पाइपलाइन. ठीक है, तो पाइपलाइन से क्या होता है, इट इज़ कनेक्टेड टू, जैसे ये मेन आपका है, ये रिफाइनरी है, दिस इज योर रिफाइनरी. ठीक, अब ये पाइपलाइंस ये आपके डिफरेंट पोर्शंस में चले जाते हैं. ठीक है, डिफरेंट एरिया में इसके ब्रांचेज ऐसे बने रहते हैं. ठीक है, और ये अंडरग्राउंड पाइप्स डाले जाते हैं. ठीक है, जमीन के अंदर से इट रन्स इन दिस वे. ठीक है, तो ये सारे हमारे जो पाइपलाइंस हैं, इससे हम लोग LPG और CNG सप्लाई करते हैं. क्लियर, कानपुर में CNG का सबसे बड़ा स्टॉक है, वहाँ सबका जो मेन पाइप जुड़ी हुई है कानपुर से. ठीक है, फिर अभी तो CNG यहाँ अम्बेडकर नगर में नहीं आया है. ठीक है, यहाँ पे केवल LPG, वो भी डायरेक्ट सिलेंडर्स आते हैं, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है हमारी कंट्री का, कि इतना बड़ा पाइप बिछाना अभी एक चैलेंजिंग टास्क है कि नहीं? तो मेन डेस्टिनेशन तक बिछाया गया है, फिर वहाँ से हमारे लिक्विड सिलेंडर्स को रिफिल किया जाता है. ठीक है, दे आर रिफिल्ड, अंडरस्टैंड, हम लोग खाली सिलेंडर देते हैं, फिर फिल्ड सिलेंडर उनसे रिसीव करते हैं, है कि नहीं? तो जो हमारा ये जो आपका ब्लैंक, जो आपका खाली सिलेंडर है, इट गोज टू देयर दैट बॉटलिंग प्लांट, और जहाँ पे ये पाइप आई हुई होती है उसी पाइप में नोजल्स लगे होते हैं, बस सिलेंडर वैसे एक लेवर ऐसे खड़ा रहता है, ऐसे सिलेंडर वैसे लगा देता है, फिर उसमें वो लगा रहता है प्रेशर गेज, देख लेता है, हाँ 14.4 kg हो गया, बस ऐसे करके डेली फिल करते रहते हैं, और पूरा ट्रक का ट्रक आके अलग अलग एरिया में पहुंच जाता है. ठीक है, तो ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है, है ना, और इतने लेबर्स भी हमारे पास हैं कि काम कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये हमारी पाइपलाइन का सिस्टम है. ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो हमारा इसमें इट रूल्स द ट्रांसशिपमेंट लॉसेस ऑफ डिले. इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, है ना, जो हमारा शिपिंग है, शिपिंग बिकम्स एफिशिएंट. ठीक है, इट बिकम्स एफिशिएंट. ठीक है, हमारा शिपिंग जो है काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है, अंडरस्टैंड, इससे क्या होता है, लॉसेस रिड्यूसेस. ठीक है, लेस टाइम लगता है. क्लियर, एक तो लॉसेस कम होते हैं, टाइम कम लगता है आपके पाइपलाइन से. ठीक है,
तो फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर, जैसे असम है ठीक है, असम में एक जगह है डिगबोई ठीक है, जैसे ये आपका साउथ का पोर्शन है मान लो, ये आपका ये है, यहाँ पे आपका असम है ठीक, असम ठीक है। अब ये पाइपलाइन हमारा कहाँ से चला गया, असम से ये हमारी पाइपलाइन आ रही है जो है कानपुर तक ठीक है, असम में जो है ऑयल वेल है कि नहीं डिगबोई में। अब ये पाइप ऐसे सीधे कानपुर में आई है ठीक, दिस इज कानपुर। अब यहीं से बॉटलिंग की जाती है, यहीं पे आपका सिलेंडर रिफिल होता है, अंडरस्टैंड, और फिर सबके घर में ऑनलाइन डिलीवरी है कि नहीं, चाहे गाड़ी चाहती है बैटरी मंदिर के पास से हाजरपुर में ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी तरह से गुवाहाटी बरौनी इलाहाबाद इन सब का रूट है यूपी में ठीक है, यूपी में गुवाहाटी असम से गुवाहाटी, फिर बीच में बरौनी पड़ता है ठीक है, फिर आपके यूपी में आ जाता है इलाहाबाद का ठीक है। इसके ब्रांचेज हैं, इसी तरह बरौनी से हल्दिया तक का एक ब्रांच है क्लियर, ये हल्दिया भी इलाहाबाद में ही है राइट, डायरेक्ट बरौनी में रिफाइनरी है, बहुत बड़ी रिफाइनरी है, सारा क्रूड ऑयल जो भी बाहर से आता है वो सब वहीं बरौनी में ले जाके उसको रिफाइन किया जाता है। आपने देखा होगा कैसे पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, केमिस्ट्री में पढ़े हो गए है कि नहीं, एक लंबा चैम्बर होता है लास्ट बड़ा सा ठीक है, उसमें सबसे टॉप में जो है गैसोलीन, उसके नीचे एलपीजी ठीक है, उसके नीचे जो है क्या कहते हैं आपके ये जो होते हैं रॉकेट प्रोपेलेंट वाले फ्यूल भी अलग किए जाते हैं, फिर उसके नीचे पेट्रोल डीजल केरोसिन स्पिरिट ठीक है, ऐसे ऐसे करके नीचे आपका लुब्रिकेंट बसता है जो आपका जिससे ग्रीस व्रीस बनता है ठीक है, फिर उसी में आपका जो पेट्रोलियम जेली होता है वो भी उसी का प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी रिफाइनरी में बनती हैं, तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है जो गैसोलीन बना वो पाइपलाइन से आपके कानपुर तक चला आया, हल्दिया तक चला आया ठीक है। सो इन दिस वे इट बिकेम अ यू नो वेरी एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट ठीक है, इट हैज़ ट्रांसपोर्टेड थिंग्स वेरी एफिशिएंटली इजंट इट, सो इट बिकेम अ वेरी इंटरेस्टिंग टास्क है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं क्लियर।